आज के बिहार विधानसभा के पूरे घटनाक्रम को देखिए। विधानसभा शुरू होने से पहले एक कार्यक्रम होता है, वन महोत्सव। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी दिखते हैं। फिर विधानसभा में भी एक बैठक होती है, उसमें भी आपको तस्वीरों में सभी नेता साथ दिखेंगे। लेकिन फिर जब महागठबंधन की बैठक शुरू होती है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे ये साफ लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार। आप पहले इन दो बयानों के छोटे छोटे हिस्से को सुनिए। एक में सुनील सिंह कह रहे हैं कि मुझे लालू यादव ने चुप रहने के लिए कहा है, और दूसरे में अजीत शर्मा कह रहे हैं कि सुनील सिंह को मुख्यमंत्री ने टोका है। सवाल जवाब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है ना बोलना। खिलाफ नहीं हुआ, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय सुनील सिंह जी के बारे में बोला कि आप अमित शाह जी के टच में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा, ये खबर है। अब इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महागठबंधन की बैठक हुई, इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा चल रही थी। चर्चा में ये था कि मानसून सत्र कैसे चार दिन तक चलेगा, किन बिलों को लाया जाएगा और हमें विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना। साथ ही नीतीश कुमार ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह 23 जून के बैठक में सब कुछ काफ़ी अच्छे से बिहार में हुआ, ठीक इसी तरह से बेंगलोर के जो बैठक होने वाली है उसमें भी यही मैसेज जाए और सभी दल एक साथ दिखे। लेकिन तभी मुख्यमंत्री ने सुनील सिंह के फेसबुक पोस्ट को लेकर सवाल कर दिया। अमित शाह के साथ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की तस्वीर 14 तारीख की थी। इस तस्वीर को दिखाते हुए नीतीश कुमार ने सवाल कर दिया कि आप अमित शाह के संपर्क में हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अजीत शर्मा के लिए भी कहा गया कि आप भी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में। हालांकि सुनील सिंह ने कुछ बातें तो मान ली, लेकिन इशारों इशारों में ये भी कहा कि वो लालू यादव के साथ हैं 27 साल से, और लालू यादव ने फिलहाल उन्हें चुप रहने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम उनके बात का कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हम लोग तो गैर जुवार व्यक्ति हैं नहीं, इसलिए उनके बात का हम कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं, और जो भी अगर बोले होंगे भी तो समझिए कि मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में कई लोग हैं क्या, वो उनको उनकी बातों से ऐसा लग रहा है? जिनके जिनके बारे में बोला उनसे ना पूछिएगा, हमारे बारे में पूछे तो हम तो आपको बताए ना। जब तक आप नहीं आएंगे, अरे उस शंका क्या, हमको अपने पार्टी से मतलब है यार। तो क्या ये जो सब कुछ हो रहा है भाजपा के कारण? जब हम, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आज 27 वर्ष हो गया लालू जी के साथ, ठीक है, अब 3 साल और होगा तो 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। अब जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हीं के साथ है, माननीय लालू प्रसाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, और कोई पार्टी लेवल पर हम जुड़े हुए नहीं है, भावनात्मक रूप से मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपके बयानों को लेकर नाराजगी है? आपने कहा देश का सबसे अविश्वसनीय चेहरा कौन है यूपीएससी में, इस तरह के सवाल। देखिए, बीते दिनों का बात हो गया, क्यों विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, अनावश्यक वो सब बात है। नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं आपके बयानों से, उसको हटा दिया, समझे ना, जो कन्फ्यूजन हुआ, किसी ने पूरे जंगल राज को याद दिलाने लगा, कोई डॉक्टर के किडनैपिंग को याद दिलाने लगा। और देखिए, हम फिर आपको बताते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट मना किया है कि कोई भी तरह का आपको बयान नहीं देना है, ना हाँ बोलना है ना बोलना। आप आहत हैं नीतीश बातों से? आप आहत हैं सुनील जी? आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे लेकर लालू यादव सुनील सिंह को कह रहे हैं कि चुप हो जाइए और फिलहाल इस मुद्दे को शांत कर दीजिए। क्या ये माना जाए कि बहुत सारी बातें सुनील सिंह भी कहना चाहते थे, लेकिन एक दबाव है जिस दबाव में सुनील सिंह। कहानी का ये एक हिस्सा है। अब बिहार की राजनीति के दूसरे हिस्से को समझिए। अजीत शर्मा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता बिहार विधानसभा में, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनसे भी नीतीश कुमार ने कहा कि आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में। तो क्या अजीत शर्मा सच में बीजेपी नेताओं से संपर्क में? लेकिन जब अजीत शर्मा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी बात को तो मना कर दिया, डिनाई कर दिया साफ तौर पर, लेकिन सुनील सिंह की पूरी पोल खोल दी कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ था। नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई बाइट नहीं है कि हमारे बारे में बोला गया, लेकिन हम सुन रहे हैं कि बीजेपी में जाने की बात हो रही है। ये कैसे सुनते हैं आप लोग, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। सुनील सिंह का क्या रिएक्शन था सर? उन्होंने बोला कि हम अमित शाह के साथ गए ही नहीं है, उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक पर देखा है।
आप गए हैं मिलने के लिए, यही बातें हुई। नहीं बहसा बसी नहीं, इन्होंने बोला उन्होंने जवाब दिया, कोई बहसा बसी। उन्होंने कहा ना कि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ बोला उन्होंने सर, लेकिन जिस तरह से नीतीश सिंह और जदयू के मंत्री आपस में एक दूसरे से बयानबाजी करे, उस पर भी नीतीश कुमार ने कुछ बोला? बोला ये बयानबाजी नहीं करना, उसी पर हुआ ना कि सदन में भी एकजुट रही सारे महागठबंधन के लोग, बाहर भी रहिए मीडिया के पास भी रहिए, ताकि संदेश जाना चाहिए हम लोग एकजुट है। जिस तरह 23 के बैठक में आपने देखा कि सभी विपक्षी के बड़े बड़े नेता आए, फिर हम लोग बैंगलोर में मिलने वाले हैं, जो सब लोग एकजुट रह के बीजेपी को समाप्त करिए 2024 के चुनाव। बिहार की राजनीति में इसे आप ऐसे समझिए कि विपक्षी दलों की एक और बैठक हो रही है, जिसके नेता नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि तमाम दल एक साथ मिलकर ये मैसेज जरूर दें कि बिहार में ही सब कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन के अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इसे आप ऐसे समझिए कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में जो नेता विधायक हैं वो सांसद बनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें सांसदी का टिकट मिल जाए, लेकिन यह टिकट मिलेगा कैसे, क्योंकि महागठबंधन इस बार है, कई सारे दल हैं, सीट बंटवारा होगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जिसे लेकर नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं उससे अब ये लगने लगा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन बड़े नेताओं का दबाव ऐसा जरूर है जिससे छोटे नेता कुछ बड़ी बातें अब ना कर सके। देखना ये होगा कि विधानसभा का जो सत्र है वह सत्र आराम से निकलता है या फिर बीजेपी के हंगामे के बीच महागठबंधन का भी अपना हंगामा चलता रहता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।